आइए दोस्तों, पाइथन ट्यूटोरियल पार्ट 49 में हम एनी एंड ऑल फंक्शन का यूज करना देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी numpy को इंपोर्ट किया है और दो अरे बनाए हैं, ठीक है, और रिजल्ट हमने a इज इक्वल टू b रखा है और प्रिंट में हमने दिया है एनी रिजल्ट, मतलब हमने दिया है प्रिंट के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने एनी लिखा है और उसके अंदर एक और राउंड ब्रैकेट लिखा है तो उसमें रिजल्ट लिखा है, फिर दूसरे प्रिंट में हमने ऑल लिखा है। चलिए देखते हैं इससे हमें क्या मिलता है। तो देखिए, एनी जहां है, अगर इसने इन दोनों अरे में से कहीं पे भी रिजल्ट मिला दिया, मतलब सही दे दिया, तो ये ट्रू देगा, तो इसने ट्रू दे दिया। लेकिन जहां ऑल है, ऑल में सभी जगह सही होगा तो ही ये हमें ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, तो इसने फॉल्स दे दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको देखना है तो देखिए, ये इज इक्वल टू का जो साइन है, देखिए एक यहाँ पे मिल रहा है और दूसरा एक यहाँ पे मिल रहा है, तो दो जगह एनी में मिल रहा है तो इसलिए ट्रू दे दिया, मतलब एक भी जगह मिल गया वो ट्रू हो जाएगा। और ऑल की जगह, अगर ये ऑल की जगह अगर सभी में मिलेगा तो ही इसे ट्रू देगा, अदरवाइज इसे फॉल्स देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमने एनी लगाया है, अब इसको हम रन करते हैं तो देखिए इसने फॉल्स दे दिया, जैसे कि मैंने ऊपर ही दिखाया था। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमने फिर एनी लगाया है दोस्तों और इसको रन करते हैं, इस बार इसने ट्रू दे दिया। ट्रू क्यों दिया, क्योंकि इसमें हमने एनी लगाया है, एनी ऊपर वाले में हमने एनी लगाया था और उसने फॉल्स दिया। फॉल्स इसलिए दिया दोस्तों क्योंकि वहां पे एक भी कंडीशन मैच नहीं हो रही थी, देख लीजिए अरे वन से और अरे बी से कोई भी नहीं हो रही थी, लेकिन इसमें हमने थोड़ा चेंज कर दिया तो एक मैच हो रही है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 200 200 वाली, तो इसने ट्रू दे दिया। अब देखिए नीचे, अब यहाँ पे हमने एनी लगाया और इसको रन करते हैं तो यहाँ पे भी ट्रू दिया, क्योंकि यहाँ पे भी इसने एक कंडीशन मैच कर ली है, देखिए यहाँ पे ये रही, ठीक है दोस्तों। और अब नेक्स्ट देखते हैं कोड, इसको रन करा हमने तो यहाँ पे ऑल लगाया है, ऑल से रिजल्ट क्या चाहिए, इस सभी जगह कंडीशन मैच होनी चाहिए, पर सभी जगह मैच ही नहीं है तो इसलिए इसने फॉल्स दे दिया है। और अब देखिए दोबारा हमने ऑल्स का रिजल्ट देखते हैं तो इस बार भी फॉल्स दिया है, क्योंकि एक जगह मैच हुई है और जगह मैच नहीं हुई, इसलिए फॉल्स दिया है। और अगर आप ऑल के साथ रिजल्ट ट्रू चाहते हैं तो इन सब कंडीशनों को मैच करा दीजिए। चलिए मैं कॉपी करके आपको एक दिखा देता हूं ताकि आप देखें, आप लोगों को पता लग जाए। कॉपी पेस्ट करके इसलिए कर रहा हूं ताकि थोड़ा टाइम बच जाए दोस्तों, टाइप करने में लिखने में बहुत टाइम लग जाता है और आप लोगों को भी वीडियो देखने में भी काफी टाइम लगता है तो आप लोग पूरा नहीं देख पाते, और वैसे भी नॉर्मल आप लोग समझदार हैं, अच्छे से समझ ही लेंगे। अब देखिए इसको रन करेंगे तो हमें ट्रू आंसर मिलेगा ऑल केस में, और देखिए यहाँ पे हमने कहीं गलती कर दी है, कह रहा है numpy, और यहाँ पे हमने गलती करा है कहाँ पे, एक मिनट देख लेते हैं, ऊपर देखते हैं, ओके हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने F नहीं लगाया, F हमारा छूट गया था। अब देखिए इसको रन कर देते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रू आ गया, जब मैंने कॉपी करा था तो शायद F छूट गया था तो जिस वजह से एरर मिली थी, तो देखा आपने दोस्तों। चलिए ओके, थैंक यू।